क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू कुमार और क्षेत्र उपाध्यक्ष हो गया गोपाल। हम लोगों का ये दो दिवसीय शांतिपूर्ण धरना 7 और 8 बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी संघ के बैनर के तले हम लोग पिछले 2 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से पता चला कि यहाँ की कुलपति महोदया और कुल सचिव पाल करने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोगों की अमुक मांगे हैं कि अनुबंध कर्मी को अशोक चौधरी कमेटी 2017 में आई थी वो विश्वविद्यालय में अविलंब लागू हो, सीएल लागू हो, तिलकामांझी विश्वविद्यालय में लागू कर दिया गया। सरकार की चिट्ठी है प्रत्येक वर्ष जो है मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होनी हो। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग 9 सूत्री मांगों के तहत यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये भ्रष्ट कुलपति जो है और ये भ्रष्ट कर्मचारी कुल सचिव ये इस पे पाल करने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहना अधिकारियों का? अधिकारियों का वो वार्ता के लिए आए ही नहीं। और हम लोगों का अनवरत ये चलते रहेगा। आप कोई भी मामला देखिए, अनुकंपा का देखिए, अनुकंपा की भी नियुक्ति नहीं है। पेंशन को लेकर किसी प्रमोशन की मामला प्रमोशन का भी नहीं है। आप जिस भी चीज़ को देखेंगे तो सब जो है सिर्फ खोखला वादा है इनका, सिर्फ इनका जुमलेबाजी है। प्रशासन बात नहीं मानेगी तो क्या करेगी? हम लोग यहाँ अमरन अनशन करेंगे, कई रूपों में हम तालाबंदी करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इनके लिए हम लोग जो है राजभवन मार्च भी करेंगे। लेकिन क्या नाम है? मेरा नाम आशीष झा हुआ, KMD कॉलेज प्रवक्ता, असिस्टेंट लाइब्रेरियन। अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर हम धरना पर बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं? मांगे हैं मेरे पास। और क्या मांगे? हम लोग बता देते हैं। हम लोग फिर सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। सामूहिक अवकाश के बाद आमरण अनशन तक पर जाएंगे। और कि काला बिल्ला तो अब हटेगा, अब आमरण अनशन सामूहिक अवकाश रह के विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में किसी भी विश्वविद्यालय पदाधिकारी को घुसने नहीं देंगे, यही हमारी मांग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वकील महतो। क्या है? प्रक्षेत्र के कार्यकारी संदेश हैं, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर। क्या कहना है? अभी तो वार्ता भी नहीं हुई है सही रूप से। नहीं नहीं, वार्ता तो कुलपति महोदय के साथ हो ही चुका है। कुलपति महोदय से ही बातचीत हुआ। अभी ये किनसे वार्ता करना चाहते हैं पता नहीं, अगर वो स्पष्ट हो तो फिर वार्ता उनसे किया जाएगा। लेकिन इनके 5 कर्मचारी के जो प्रतिनिधि थे उनको बुला के कुलपति ने खुद बात की है हम लोगों के समक्ष, हम लोग भी थे उसमें। ये आंदोलन हड़ताल ये सब ये जो है लोकतांत्रिक इसमें उसका हिस्सा है। लेकिन उसे छात्र हित और विश्वविद्यालय नए विश्वविद्यालय का हित को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मेरा यही लोगों से अनुरोध होगा कि नया विश्वविद्यालय को स्थापित करने में बहुत सहयोग किया इन्होंने, आगे उसी हिसाब से सहयोग करते रहें तो ज़्यादा अच्छा है।